चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में काउंसलिंग के जो न्यू रूल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम कैसे कैसे इस काउंसलिंग के फर्दर राउंड में इलिजिबल रह सकते हैं, कौन से राउंड में सीट लेने से क्या फायदा है, कौन से राउंड में सीट लेने से क्या नुकसान होगा, कौन से राउंड तक हम जा सकते हैं, ऑल इंडिया का राउंड के साथ साथ हम स्टेट का भी राउंड कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जो भी न्यू रूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये रूल्स आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार समराइज कर लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जानते हुए कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं जिनके अनजाने में स्टूडेंट को काफी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट से समझाऊंगा कि सीट किस प्रकार से आपको लेनी है और किस प्रकार से सीट लेके आप आगे वाले राउंड में इलिजिबल रह सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहां सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट की, क्योंकि फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो चुका है, ये सब आपको पता है, और अभी सेकंड राउंड की च्वाइसें चल रही हैं। ये सेकंड राउंड की च्वाइसें 15 अगस्त 2023 तक हैं और 18 अगस्त 2023 को रिजल्ट आ जाएगा एमसीसी का। तो सेकेंड राउंड के आप च्वाइस फिल कर दें, आप मैक्सिमम चॉइस फिल करें, लेकिन चॉइस वही फिल करें जो आप लेना चाहते हैं। अननेसेसरी चॉइस फिल करके आप अपनी सिक्योरिटी मनी का नुकसान करवा लेंगे। तो इसमें सेकेंड राउंड में ये चॉइस फिलिंग की डेट है 15 अगस्त 18 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। तो सेकेंड राउंड में आपका 18 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है, अगर उसमें आपको कोई किसी प्रकार की सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सीधे ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में जाएंगे और चॉइस फिल करेंगे। अगर आपको यहां पर कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टेट में भी जा सकते हैं, ये आपके लिए फ्री है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो जाती है, यहां पर आपको सीट अलॉट हो जाती है सेकेंड राउंड में, और उस सीट पर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, नए कॉलेज को कुछ बताना है, न कहीं जाना है। आप आगे के राउंड के लिए इलिजिबल तो रहेंगे, लेकिन जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है एमसीसी की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यूआरईडब्ल्यूएस 10,000 रुपीज और ओबीसी एससी एसटी 5,000 और डिम्ड की कंडीशन में 2,00,000 रुपीज, तो वो सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिलेगी, वो फोरफिट हो जाएगी। लेकिन आप थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड की च्वाइस फिल कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और उसको आप नहीं लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। दोबारा से आप सिक्योरिटी मनी यहां फिल करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और च्वाइस फिल कर देंगे थर्ड राउंड की। अगर आपको यहां पर कॉलेज मिल जाती है और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉलेज में जाकर के आपको सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और वहां पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन देना है, यानी कि सेकंड राउंड की सीट को आप थर्ड राउंड तक अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपग्रेड नहीं करवाना चाहता, मैं इस पर फाइनल एडमिशन लेना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आप अपग्रेडेशन में आप ऑप्शन देंगे कि मैं अपग्रेडेशन नहीं चाहता हूं, अपग्रेडेशन मैं नहीं चाहता हूं, तो आपकी काउंसलिंग यहां पर एंड हो जाएगी। अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप चॉइस फिल करेंगे एडमिशन लेने के बाद, सेकेंड राउंड में सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप चॉइस फिल करेंगे थर्ड राउंड की। तो ये उस कंडीशन में है, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया, उससे आप संतुष्ट हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं तो यस का ऑप्शन दे दें, थर्ड राउंड में चॉइस फिल कर दें। अगर नहीं करना चाहते, उसी पर एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आपकी काउंसलिंग वहां पर ही एंड हो जाएगी। अब इसमें ऑप्शन एक अपग्रेड का आता है, ये तो होगी सारी कंडीशन, जब आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलती है तो क्या कंडीशन रहेगी और नहीं मिलती है तो क्या कंडीशन रहेगी आपकी। अब यहां पर अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपग्रेड कौन से, अपग्रेड वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन दिया था, यानी फर्स्ट राउंड ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन के साथ साथ उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन दे दिया, तो उनकी अगर वो सीट अपग्रेड हो गई, उनकी सीट अपग्रेड हो गई और वो अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो फर्स्ट राउंड की कॉलेज में जाएंगे, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फीस वगैरह ये सब कुछ लेकर के, रिलीविंग लेटर लेकर के, वहां से जो उनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है उस सीट पर जाकर के वो एडमिशन ले लेंगे। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लो
किसी कैंडिडेट को सेकंड राउंड में सीट तो अपग्रेड हो गई लेकिन वो सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जिट कर सकता है, सिक्योरिटी मनी उसकी फॉरफिट हो जाएगी, ये रूल उसको लागू हो जाएगा। अगर उसकी सीट अपग्रेड हो गई और नहीं लेना चाहता है तो पहले वाले कॉलेज में जाएगा, अपने सारी फीस वगैरह ये रिलीविंग लेटर लेकर के, फिर अगर वो नहीं लेना चाहते तो सेकंड में जो उसको सीट अलॉट हुई है उस पर जाने की उसको जरूरत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, वो आगे वाले राउंड में इलिजिबल है, वो आगे वाले राउंड में इलिजिबल है, वो दोबारा से अपनी सिक्योरिटी मनी ये सिक्योरिटी मनी फिल करेगा और थर्ड राउंड की चॉइस फिल करेगा। अगर किसी कैंडिडेट की सीट अपग्रेड नहीं होती है, फर्स्ट राउंड में उसने एडमिशन ले रखा है, सीट अपग्रेड नहीं होती है और उस वो सीट पर फर्स्ट राउंड वाली सीट पर वो एमबीबीएस नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दो दिन तक एमसीसी का सेकेंड राउंड डिक्लेयर होने के दो दिन बाद तक एक एमसीसी की कट ऑफ डेट दी जाएगी, उस डेट तक फर्स्ट राउंड वाली सीट को छोड़ सकता है लेकिन उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, नहीं तो ये दो दिन तक उस सीट को छोड़ सकता है, सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी ही, ये उस सीट को छोड़ सकता है और सीट को छोड़ करके वो फिर से रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड में फिर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये अपग्रेड की कंडीशन में ये रूल है। तो ये तो रूल हो गए आपके सेकेंड राउंड के रूल्स। अब आपको थर्ड राउंड के रूल्स बताते हैं, क्योंकि ये रूल्स चेंज होने में, अभी पहले तो ये सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड हुआ करता था लेकिन इसमें अपग्रेड का रूल इस साल से देने से इसका नाम दे दिया गया है थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड के लिए कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल हैं, जिन कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली है सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड तक जिनको सीट नहीं मिली है वो थर्ड राउंड के लिए इलिजिबल है, वो कैंडिडेट इलिजिबल हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, वो कैंडिडेट इलिजिबल नहीं है जिन्होंने सेकेंड राउंड में सीट ज्वाइन कर ली है और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया है, वो उस सीट पर ही एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो थर्ड राउंड के लिए इलिजिबल नहीं है। अब बात करेंगे हम थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड की जिस प्रकार से सेकेंड राउंड की आपने च्वाइस फिल की थी उसी प्रकार से आपको थर्ड राउंड की च्वाइस फिल करनी है। जैसे ही थर्ड राउंड की आप चॉइस फिल कर देंगे थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कंडीशन ये रहेगी, अगर किसी कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, किसी कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो वो एडमिशन लेगा, अगर उसको सीट नहीं होती है अलॉट थर्ड राउंड में तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से चॉइस फिल करके अलॉटमेंट ले सकता है, वो इलिजिबल है थर्ड स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिल करने के लिए। अब जिन कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है उनको क्या करना है, तो जिन कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है अगर वो इस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ एग्जिट ले सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और वो कहीं भी स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और वो किसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इवन स्टेट में भी। तो अगर किसी कैंडिडेट को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है वो उसको छोड़ता है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी इलिजिबल नहीं है, स्टेट के लिए भी इलिजिबल नहीं है वो। अगर ज्वाइन कर लेता है तो ज्वाइन करने में उसकी काउंसलिंग वहां पर ही एंड हो जाती है। अब बात करें हम अपग्रेडेशन रूल का, तो जिन कैंडिडेट्स की फर्स्ट या सेकेंड राउंड से सीट अपग्रेड हो गई है वो पहले वाली सीट पर जॉइंड सीट पर अपना रिलीविंग लेटर लेंगे, उससे वहां से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, फीस लेंगे और थर्ड राउंड की अलोटेड कॉलेज में पूरी एडमिशन फॉर्मेलिटीज करेंगे। अगर उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो थर्ड राउंड के रूल्स उनको लागू हो जाएंगे, यानी कि वो अगर सीट छोड़ते हैं उसके बाद अपग्रेड नहीं होने के बाद तो ये रूल्स उस पर लागू होंगे। ये हैं थर्ड राउंड के रूल्स अपग्रेड की कंडीशन में और अलॉटमेंट की कंडीशन में। अब मैं स्टेट्स के रूल भी आपको इसके बाद बताता हूं, पहले हम स्ट्रे वैकेंसी के रूल देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमसीसी के हर एक राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं और फ्रेश च्वाइस फिल होती है। जिन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया उनको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन च्वाइस फिल उनको बार बार करनी पड़ेगी। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो कैंडिडेट इलिजिबल हैं, इलिजिबल के लिए मैंने बता दिया, जिनको अभी तक कहीं भी सीट नहीं मिली है
मीन्स अलॉट भी नहीं हुई है। अगर किसी कैंडिडेट को, चाहे वो स्टेट में हो या ऑल इंडिया में, अगर किसी कैंडिडेट को स्टेट में भी सीट अलॉट हो गई है हिस्ट्री से पहले, तो वो भी इसमें नहीं आ सकता है हिस्ट्री वैकेंसी में। अगर एमसीसी के भी किसी एक राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो भी वो नहीं आ सकता है। ये इसकी इलिजिबिलिटी है, क्लियर है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब चॉइस फिलिंग, स्ट्रे वैकेंसी की चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो ज्वाइंट सीट पर एडमिशन लेना है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है उसमें तो काउंसलिंग यहाँ पर एंड है, आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, काउंसलिंग एंड है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट मिल गई और उस पर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, तो आपको एक साल के लिए नीट एग्जाम से बैन कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, आप उस पर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप एक साल तक नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। ये रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये बात लिखी गई है। इससे पहले जो कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसमें ये बात लिखी थी कि दो साल तक आप नीट काउंसलिंग से बैन कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये आ गया है कि आप एक साल तक नीट की एग्जाम ही नहीं दे सकते। पहले तो ऐसा था कि एमसीसी की काउंसलिंग में आप दो साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, तो स्टूडेंट सोचते थे चलो स्टेट में ले लेंगे, दूसरे स्ट्रीम में एडमिशन ले लेंगे, आयुष में ले लेंगे, वेटनरी में ले लेंगे। लेकिन अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आप एक साल तक नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, 2024 का नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको यहां पर स्टेट के रूल भी बता देता हूं साथ साथ में कि कब आप स्टेट की सीट ज्वाइन करते हैं तो कब आपको सीट मिलेगी। तो अगर आप एमसीसी का सेकंड राउंड फॉरफिट करते हैं, एमसीसी का सेकंड राउंड आप छोड़ देते हैं, तो आप स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोड़ने का मतलब आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई, आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन नहीं लिया है, तो आप फर्दर स्टेट के सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मोपअप राउंड में भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया के मोपअप राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। लेकिन आपने अगर सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया है तो उस कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर आप स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकते, स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकते, सेकंड राउंड हो चाहे मोपअप राउंड हो। तो सेकंड राउंड की ज्वाइंट कंडीशन में ज्वाइन कर लिया आपने सेकंड राउंड, तो फिर आप स्टेट के सेकंड राउंड या मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। भले ही जो स्टेट ऑनलाइन है उनमें आप च्वाइस फिल करके अपने मन की संतुष्टि करके सिक्योरिटी मनी जरूर फॉरफिट करवा लेंगे, लेकिन आप एडमिशन उन पर नहीं ले सकते क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एमसीसी के सेकंड राउंड में डिपॉजिट हैं और स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन करने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो ये तो हो गए सेकंड राउंड के एमसीसी और स्टेट के रूल्स। अब थर्ड राउंड के एमसीसी के थर्ड राउंड के रूल्स, एमसीसी के थर्ड राउंड के रूल्स और स्टेट के थर्ड राउंड के रूल्स में आपको यहां पर बता दूं। तो इसमें अगर आप एमसीसी के थर्ड राउंड में, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एमसीसी के थर्ड राउंड में अगर आप सीट अलॉट करवा लेते हैं, एमसीसी के थर्ड राउंड में आप सीट अलॉट करवा लेते हैं, चाहे आप उस पे ज्वाइन नहीं हो, तो आप आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसमें एनी राउंड लिखा हुआ है। एनी राउंड का मतलब स्टेट के राउंड्स भी आ जाते हैं और ऑल इंडिया के राउंड्स भी आ जाते हैं, इसलिए आपको एमसीसी के थर्ड राउंड में उसी कंडीशन में सीट अलॉट करवानी है जब आप उस पर एडमिशन लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीट अलॉट करवा लें और आगे की काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल नहीं रहें। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। स्टेट की काउंसलिंग का भी आप प्रोसीजर लेके चलें, कैसे कैसे आपको स्टेट की काउंसलिंग करवानी है और क्या क्या रूल्स हैं, ये सारे मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझा दिए हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एमसीसी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन 34 पर ये सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आता है हमें कमेंट्स कर सकते हैं,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। स्टूडेंट के हित में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती है, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें व्यूज का कोई लालच नहीं है, चाहे हमारे वीडियोज एक स्टूडेंट देखे या 50 या 100 या 200, 10 हजार जितने भी स्टूडेंट देखे, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, व्यूज का कोई लालच नहीं है। हम स्टूडेंट के फेवर में काम करते हैं और बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही ऑथेंटिक रहती है हमारी। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, एक फिर से नई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।